हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक शॉपिंग बैग लेके आई हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लकड़ी का हैंडल है और ये पूरा हमने थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में दिया है। और जिप और मैग्नेट की जगह आज हमने यहाँ डोरी दी है और इसके अंदर हमारी फुल स्पेस है। और हैंडल को कुछ इस तरह से लगाया गया है कि आपका हैंडल बाहर नहीं निकलेगा, इसके अंदर से पूरा मजबूती के साथ इसमें लगाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का बैग बनाने के लिए हमें सामान चाहिए 18x20 इंच का 2 पीस क्विल्टेड, 5x50 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 2 इंच विड्थ लॉन्ग पाइपिंग, 14 इंच 2 पीस वुडन स्टिक। सबसे पहले हम लेंगे 18x20 इंच का दोनों पीस और इसमें कुछ मेजरमेंट करेंगे। ये हमारा 18 इंच का एरिया है, तो यहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे। ये हमने 9 इंच पर सेंटर निकाला। 9 इंच से 4 इंच डाउन जाएंगे, निशान लगाएंगे और 2 इंच इधर, 2 इंच इधर, 4 इंच का डिस्टेंस यहाँ भी रखेंगे और यहाँ पर एक स्क्वायर मार्क दे देंगे। और ये जो 4 इंच का हमने नीचे डाउन निशान लगाया है, ये पूरे 18 इंच पर लगेगा। सेम पैटर्न दूसरे पीस पर भी हमने बना रखा है। अब ये हमारा स्क्वायर पीस हो गया। अब इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद इसमें हम यहाँ से पूरा ऊपर की साइड में पाइपिंग लगा देंगे। ये हमने कुछ पाइपिंग इस तरह से लगा दी है। सेम प्रोसीजर में दूसरे पार्ट को भी हम तैयार करेंगे। और इस तरह से ये दोनों पीस तैयार करने के बाद, ये देखिए इधर भी हमारी पाइपिंग इस तरह से दिखाई देगी। अब हम लेंगे 5x50 इंच का पीस और ये पूरा 1 पीस में हमने लिया है। ये 5 है और पूरी इसकी जो लेंथ है वो 50 इंच है। तो यहाँ से एक किनारे से हमने पहले 16 इंच पे निशान लगाया, फिर उसके बाद ये बीच में 18 इंच है और फिर ये 16 इंच है। तो ये जो 16 इंच है और 18 इंच है, ये जो हमने अभी पीस दिया था, तो इसमें हमने यहाँ पर 4 इंच डाउन जा कर के निशान लगा लिया था। तो ये 20 में 4 लेस हो गए, तो ये हमारा 16 बचा, 18 हमारे पास पूरा रहेगा। तो अब इसमें हम ये जो मेजरमेंट था 16 वाला, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें हम यहाँ पर साइड में पाइपिंग लगाएंगे। फिफ्टी इंच के दोनों किनारों पर पाइपिंग हमें लगानी है। अब इस बेल्ट को हम ये एक पीस लेंगे और जो 18 इंच का पीस है हमारा, यहाँ जो बीच में हमने निकाला है पूरे 50 इंच में, इसको जोड़ेंगे और इसको सीधा ही जोड़ेंगे दोनों पीस। इसीलिए यहाँ पर हमने निशान लगाया है 18 से 18 मिला करके इसको हम जोड़ देंगे। पहले बॉटम जोड़ेंगे। अब ये जो 16 वाला पार्ट है, ये हमारे पास यहाँ पर 4 इंच डाउन पर जो निशान है, ये 16 में इसको यहाँ पर ला के छोड़ देंगे।
ये हमारा इस तरह से पीस सारा जुड़ गया है, ये देखिए इस तरह से पूरा ठीक। अब ये जो हमने सिलाई की है तो यहाँ से, अब ये हमारा खुला हुआ है यहाँ तक हमारी पाइपिंग है, तो यहाँ से इसको हम इस तरह से सिलते हुए इसमें चारों तरफ पाइपिंग हम लगाएंगे। यहाँ पर पाइपिंग हमने लॉक सिस्टम दी है। और जैसे इस साइड हमने पाइपिंग जोड़ी है ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम पूरी पाइपिंग लगा देंगे। इसके दो पीस करेंगे, ये 12 इंच की दो डोरी हो गई हमारे पास। और ये जो हमने 4x4 के पीस काटे थे जब बैग की मेजरमेंट कर रहे थे, तो अब इसको हम लेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे और इसके बीच में एक डोरी को लेंगे और यहाँ पे दबा के और इस तरह से यहाँ पूरा इस तरह से सिल देंगे और डबल मशीन चला देंगे, दोनों डोरी में करना है। इस तरह डोरी तैयार करने के बाद ये यहाँ पर इसको हम, ये जो हमने कट किया है यहाँ पर इसको सफाई के साथ ये वाला हिस्सा मोड़ते हुए और यहाँ पर मजबूती से सिल देंगे। एक पीस नीचे काटा के सेंटर में सिलना है। ये दोनों डोरी हमारी लग गई है। अब हम लेंगे अपना इस बैग का जो मेन पार्ट है, ये हमारे पास दो वुडन स्टिक हैं। ये आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जहाँ पर कैन के फर्नीचर बनते हैं तो वहाँ पर ही आपको आसानी से मिल जाएगी, और नहीं तो बाज़ार में रेडीमेड जो बैग आते हैं तो घरों में आते यूज़ किए जाते हैं फट जाते हैं, तो उनका भी उनकी ये इस तरह से वुडन स्टिक निकाल करके और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो और ये जो इसकी जो साइज़ है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इससे बड़ा आप सर्कल लेंगी या कोई पाइप डाल लेंगी तो वो आपके हाथ को थकाएगा, नुकसान देगा, तो ये इतना पतला होना चाहिए कि आपकी पूरी मुट्ठी में इस तरह से आ जाए। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने जो 4 इंच का निशान लगाया था और ये जो हमारा पार्ट निकला हुआ है इसको हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पहले हम डबल मशीन चलाएंगे और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा डबल मशीन चलेगी। तो इसको पहले हम एक तरफ का पैक करेंगे। यहाँ पर जो ये हम जगह बना रहे हैं यहाँ पर हमारी काफ़ी मजबूत सिलाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो कैन है वो इसके वजन को खींचेगा इस तरह से। तो यहाँ पर वजन हम, यहाँ पर जो स्टिचिंग है वो डबल ट्रिपल होनी चाहिए।
एक साइड का हमने इधर सिल दिया, एक साइड का इधर सिल दिया। अब इसमें हम बैम्बू डालेंगे और इसको यहाँ पलटकर डबल मशीन चलाते हुए यहाँ से यहाँ पैक कर देंगे। तो पहले हम इसको निकाल लेंगे, पहले हम मशीन के नीचे इसको फिट करेंगे और इधर से इसको डालते हुए तब इसको पलटेंगे, नहीं तो यहाँ पर बैम्बू हमारी चाप के नीचे से नहीं जाएगी। एक तरफ का हमारा लग गया है और इसमें से ये बैम्बू निकलेगी भी नहीं, इसी में खिसकेगी लेकिन निकलेगी नहीं। अगर आपको और फिट करना है तो इसको यहाँ पर आप सिल सकती हैं या इसको और टाइट कर सकती हैं, हालांकि इसमें से निकलने का कोई चांस नहीं है। और अब सेम प्रोसीजर इधर भी करेंगे। और ये हमारा बैग तैयार हो गया। अब इसके अंदर इतनी पूरी कैपेसिटी है, इसकी जो वेट उठाने की कैपेसिटी है वो 20 केजी तक है, क्योंकि इसमें हमने बैम्बू का हैंडल दिया है, मशीन मजबूती से चलाई है। और अब बात करते हैं इसके पैक करने की। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास खाली थैला होता है तो हमको बाज़ार ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो हम सामान फैले ना इसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको पूरा इस तरह से लपेट लेंगे, ये लपेटा और इसको हमने यहाँ पे लाके बांध दिया। तो देखिए रखने में भी आसान और पकड़ने में भी आसान और सुंदर का सुंदर लगेगा। आप इसका जो हैंडल है उसको पकड़ के कैरी कर सकती हैं। और इसका दूसरा काम ये तो हो गया फोल्ड करने के लिए, यहाँ पर जिप हमने दी नहीं है तो सामान हो गया। अब हमको मार्केट में खड़े होकर के दूसरा सामान लेना है, तो होता क्या है कि कभी कभी बैग इधर उधर गिरने लगते हैं तो सामान भी गिरने लगता है। तो चेन वगैरह, मैग्नेट है, जिप है, ये सब हम लोग सेफ्टी के लिए लगाते हैं, तो मैंने इसमें डोरी दे दी, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक डिमांड होती है, तो उसी हिसाब से ये दिया है। अगर ज़्यादा फुल भर जाता है आपका बैग, ये हैंडल भाई इतना तो रखेंगे कि आपके पकड़ में आ जाए, तो इतना बांध देंगे तो आपका सामान भी नहीं गिरेगा और आप चाहे रिक्शा में बैठे हैं, चाहे गाड़ी में बैठे हैं, चाहे कहीं खड़े रहें, आपके बैग का सामान सुरक्षित रहेगा और पैक रहेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।